रात 2 बजे से किसान अपने घरों से ट्रैक्टरों पिकअप में धान लेकर बिक्री करने धर्म जयकर थाना उपार्जन केंद्र पहुंचे, जहां मंडी के प्रभारी प्रबंधक द्वारा खराब मौसम को देखते हुए आज किसानों के धान लेने से इनकार कर दिया। किसान अपनी समस्या को लेकर धर्म जयगढ़ SDM ऑफिस पहुंचे, जहां धर्म जयगढ़ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डीकेश पटेल द्वारा किसानों की समस्या को देखते हुए तत्काल संबंधित धान खरीदी प्रभारी से बात कर तत्काल धान खरीदी करने की बात कही। पर वहीं किसान जब धान उपार्जन केंद्र पहुंचे तो उनका धान नहीं लिया गया, जिस वजह से किसान अपना धान वापस घर ले जाते नजर आए। मेरा नाम संजू है, मैं दुर्गापुर का हूं और दुर्गापुर से धान लाया था। आज 2 तारीख को टोकन कटा था। यहां रात को हम लोग 2 बजे आए, तब से लाइन लगाए हैं और यहाँ सवेरे 9 बजे खुलता है तो खुला नहीं है, 10 बजे खुला है। मतलब एक दो आदमी आए हैं वहाँ के स्टाफ जो कंप्यूटर चलाते हैं, उन लोग आके बोलते कि धान नहीं लेंगे। तो हम लोग बोले भाई क्यों नहीं लोगे, बोलता है हम लोग आज धान नहीं लेंगे, हम लोग का मौसम की वजह से हम लोग बंद कर रहे। तो हम लोग बोले ठीक है, तो प्रबंधक से बात करवाइए। प्रबंधक के पास बात फोन लगाते हैं तो प्रबंधक बोलते हैं कि हम लोग के पास कोई आदेश नहीं है, हम लोग धान नहीं लेंगे, मौसम की वजह से बंद है। तो हम लोग बोले कि आप यहाँ पे आइए, आपका भाई 9 बजे आने का टाइम है, 11 बज गए अब नहीं आ रहे। बोलता है नहीं हम लोग नहीं है, अगर धान हम लोग का मना है, अगर धान अगर अंदर लेना है तो भैया आदेश लेके आइए आप कहीं से, तब जाके हम लोग अंदर। हम लोग बोले कि नहीं धान इतना लेगा वापस नहीं लेके जाएंगे, हम लोग अंदर घुसा रहे हम लोग धान। तो बोलता है कि नहीं, हम लोग बोले हम अपना रिक्स में अंदर रख रहे, कम से कम हम लोग ढक के भी रखेंगे, लेकिन हम लोग इतना इतना किराया हम लोग नहीं दे पाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि घर में पूरा कतार लगी हुई है दोनों तरफ से, और यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है हमारा मंडी प्रबंधकों की, तो इन किसानों को पहले सूचना नहीं दिया गया था, जबकि रायगढ़ जिला में 2-3 दिन से भारी बारिश की संभावना जताई गई थी और उसे रायगढ़ खरसिया वगैरह में पानी भी गिरा था, लेकिन यहाँ किसानों को किसी को जानकारी नहीं है, जिसके कारण सभी किसान अपने घर से गाड़ी भाड़ा करके यहाँ से लोडिंग करके आ गए हैं, जिनको भारी यहाँ नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। 14 तारीख को हम लोग को टोकन दिया बड़ा मुश्किल से, आजकल कर रहे अभी धान लेके, पहले आज बादल दिख रहा है तो हमको पहले से जानकारी देना चाहिए, 5-6 दिन से जाए। अभी धान लिया के हम गाड़ी भर के लाए, गाड़ी का किराया इतना, हम लोग रात से लेके परेशान काल शाम से, आज तक अभी तक हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, धान लेके हम कहाँ जाएंगे, गाड़ी का किराया कौन देगा। किसानों को समस्या ये है कि आज का मौसम जो है बारिश का बहुत पूर्ण थोड़ा खराब संभावना है, खराब है, तो इससे हम लोग आज की खरीदी को रोक लगा रखे हैं। तो आपने इससे पूर्व किसानों को सूचना क्यों नहीं दी? हाँ, जिन किसानों से मेरा संपर्क हो सका उन सभी को मेरे द्वारा बताया गया था, या मेरे समिति के द्वारा अन्य लोगों को भी मेरे द्वारा कहा गया था कि जितना जब लोगों को हो सके सूचना कर दो कि बिना जानकारी लिए धान न लावें। धान खरीदी मंडी से संबंधित किसान आज उपस्थित हुए थे, उनका शिकायत ये था कि धर्मजगढ़ मंडी में आज धान क्रय नहीं किया जा रहा है, तो तत्काल प्रबंधक से बात किया गया। उनका कहना यह था कि मौसम चूंकि खराब इसलिए धान खरीद कार्य नहीं किया जा रहा, तो उनको तत्काल निर्देशित किया गया है कि किसानों के सहयोग से यथासंभव जितना अधिक धान खरीदा जा सके उनको खरीदा जाए, और यदि भविष्य में धान नहीं खरीदने की स्थिति निर्मित होती है तो उनको पूर्व सूचना दिया जाए, ताकि किसानों का समय और ऊर्जा और धन इसमें नष्ट न हो।